सुल्तान अब्राहिम की एक्शन थ्रिलर फिल्म सत्यमेव जयते 15 अगस्त को बॉक्स ऑफिस पर दस्तक दे चुकी है। जहां हमने आपको हमारी एक रिपोर्ट में बताया था कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के निधन की वजह से गोल्ड फिल्म को नुकसान उठाना पड़ा है, वहीं चलिए हम आपको बताते हैं कि सत्यमेव जयते के साथ क्या हुआ है। हमने आपको बताया था कि इस फिल्म ने ओपनिंग डे पर 20 करोड़ से ज्यादा की कमाई की है, जो जॉन अब्राहिम के करियर की अब तक की सबसे बड़ी ओपनिंग देने वाली फिल्म बन गई है। वहीं अब हाल ही में ट्रेड एनालिस्ट सुमित कादेल की अगर माने तो ये फिल्म थर्सडे को कम कमा पाई है। उन्होंने ट्वीट करके लिखा कि अनबिलीवेबल ड्रॉप इन इवनिंग एंड नाइट शोज फॉर गोल्ड एंड सत्यमेव जयते एज बोथ कलेक्टेड बिलो 9 करोड़ नेट ऑन थर्सडे, शॉकिंग। वेल, अब वीकेंड आने वाला है, देखना होगा कि ये फिल्म कितने करोड़ का कारोबार कर पाती है।